वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में आप सबों की मंगल कामना करता हूं और उनके रातुल चरणों में मैं अपना शतकोटि प्रणाम श्रद्धा निष्ठा जनाता हूं। पूज्यपाद परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ोमा के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। पूज्यपाद श्री श्री बौरदा आचार्य पूज्यपाद श्री श्री दादा के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ, शतकोटि प्रणाम समर्पित करता हूँ। पूजनीय बाबाईदा पूजनीय अविन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। आज पटना का ये ऑनलाइन सत्संग है हमारे श्रद्धे अमरेंद्र कुमार शरणदा श्री श्री ठाकुर जी के सहप्रतिलिपिक पंजाधारी कर्मी हमारे श्रद्धे राधा ने मुझे ये अनुरोध किया था कि मैं भी थोड़ा समय निकाल कर इस सत्संग में शामिल हो पाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पटना के इस सत्संग में शामिल होकर। कुछ देर के बाद मुझे रांची के सत्संग में भी जाना है, फिर दिल्ली के सत्संग में जाना है। एनीवे सत्संग में शामिल होना अपने आप में एक बड़ा ही पुण्य का काम है। ये एक ऐसा समय होता है जब हम प्रभु के लिए सोचते हैं, प्रभु के लिए बोलते हैं, प्रभु की बात लोगों से सुनते हैं और ऐसा करने के माध्यम से प्रभु के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती है। अभी श्रद्धेय सेन गुप्ता माँ ने बहुत सुंदर ढंग से गाया, भजन गाया कि इष्ट के चरण पद में अपने को नियोजित करके, अपने को निमज्जित करके जीवन में चलना ही सबसे बड़ी सार्थकता है। और जिसने भी आदर्श को पकड़कर, सद्गुरु को पकड़कर जो भी अपने जीवन में चला, उसके जीवन में सार्थकता आई। आज से करीब करीब 46 वर्ष पहले मेरी दीक्षा हुई थी जब क्लास 9th में पढ़ता था। उसके बाद BIT सिंदरी में इंजीनियरिंग करने के लिए प्रथम बार जब घर से बाहर निकला हॉस्टल में रहने के लिए, तो माँ ने ठाकुर जी की एक छोटी सी प्रतिच्छवि दी थी जिसको एक कूट पर पेस्ट में किया था और ठाकुर जी की उस प्रतिच्छवि को लेकर और इष्टवृत्ति का अर्घ लेकर मैं BIT सिंदरी के लिए रवाना हुआ, धनबाद के लिए रवाना हुआ। मेरी प्रथम यात्रा थी घर से बाहर रहने के लिए। माँ ने कहा कि हम लोग तो वहां पर नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी तुम्हारे साथ में हैं, तुमने ठाकुर जी की दीक्षा ली है, इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करना और प्रतिदिन नियम पूर्वक इष्टवृत्ति करना, नाम ध्यान करना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, ठाकुर जी ही तुम्हारे सब कुछ हैं। तो उस कूट में ठाकुर जी की प्रतिच्छवि लेकर जब मैं हॉस्टल के कमरे में गया तो एक कमरे में 6 स्टूडेंट्स को जगह मिली, ठाकुर जी को रखने के लिए भी जगह नहीं थी, क्या करता। जो खिड़की थी मेरी चौकी के सामने, कॉट के सामने, उस खिड़की पर मैं ठाकुर जी को सुंदर ढंग से रखा, प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करता था। तो जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे, मित्र थे, उनको तो इस लाइन का उतना ज्ञान नहीं था। शुरू शुरू में थोड़ा सा उनको, उनके मन में भी कुछ लगता था कि ये क्या सुबह में अगरबत्ती जलाकर शाम में अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करता है, लेकिन धीरे 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 उनके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा जगी और वहां पर मेरा रहना थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। जब उन लोगों के मन में भी ठाकुर जी का भाव आया तो मेरा रहना कंफर्टेबल हुआ। थोड़े दिन पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, श्री जनार्दन मुखोपाध्याय, आप लोग नाम सुने होंगे, जितने पुराने कर्मी लोग हैं वो नाम सुने होंगे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, सहप्रतिलिपिक कर्मी भी थे। श्री जनार्दन मुखोपाध्याय जी ने एक पुस्तक लिखा है बंगला में, के तुम्हें विप्लवी, हिंदी में उसका अर्थ है कौन हो तुम विप्लवी, कौन हो तुम विप्लवी, मतलब मूवमेंट करने वाले को विप्लवी बोलते हैं, विप्लव जो करते हैं, आंदोलन जो करते हैं। उस पुस्तक में जनार्दन दा लिख रहे हैं कि किस तरह वो ठाकुर जी के संपर्क में आए थे। श्री जनार्दन मुखोपाध्याय दा कम्युनिस्ट के बहुत बड़े समर्थक थे, कम्युनिज्म के समर्थक थे, अत्यंत दाम्भिक थे और बाग्मी पुरुष थे, नास्तिक थे, तार्किक थे। उन्होंने कहा कि एक नूतन जगत के लिए
मैं रवाना हुआ था संथाल परगना के बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए। उस जगह में मैं पहले कभी गया नहीं था। एक महापुरुष के बारे में सुनकर मैं आषाढ़ महीने के एक वर्षण क्लांत सुबह में, वर्षा से बड़े सुबह में, आषाढ़ महीने में मैं देवघर गया। एकदम अपरिचित जगह मेरे लिए, मुझे मालूम नहीं था कि वो घटना मेरे जीवन के पूरे मोड़ को ही बदल देगी। वहां पर जब मैं वहां गया तो मैंने एक महापुरुष को देखा, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को देखा। कितनी ही निंदा, कितनी ही स्तुति, कितना ही घात प्रतिघात के बीच में वो अम्लान वदन से थे, कुछ भी उनको प्रभावित नहीं कर पाया था। सबको प्यार करते थे, उनके मधुर मुस्कान से प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा समाप्त हो जाती थी। जब मैं उनका दर्शन किया तो मुझे लगा कि मैं एक नवीन जगत में आया। लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट था, मैं तो नास्तिक था, मेरे अंदर तर्क की भी प्रवृत्ति थी और बुद्धि की भी दाम्भिकता थी। उस बुद्धि की दाम्भिकता में मैंने बहुत सारा इररिलेवेंट क्वेश्चन भी श्री ठाकुर जी से किया और अपनी इस परिस्थिति में करीब करीब ठाकुर जी को ग्रहण नहीं ही कर पा रहा था, लेकिन अंत में मैं ठाकुर जी को ग्रहण कर पाया। ये उनकी सिर्फ दया है, ये उनका आशीर्वाद है। जनार्दन दा लिख रहे हैं, मैंने ठाकुर जी से प्रश्न किया, ठाकुर जी उस भगवान को, उस आकाशीय भगवान को याद करने से क्या फायदा, जो मेरी पुकार नहीं सुनते, जो मेरी विपत्ति में नहीं आते, जो मेरा सहयोग नहीं करते, जो मेरे बगल में आकर खड़े नहीं होते। मैंने तो देखा है कि बहुत सारे लोग भगवान की आराधना करते हैं, क्या भगवान कभी उनसे मिले? मेरे इस प्रश्न पर ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर ठाकुर जी धीरे धीरे बोलना शुरू किए कि मान लो तुम एक रेस्टोरेंट में गए हो और वहां तुमने चाय का ऑर्डर दिया है, चेयर पर बैठकर तुम गरम गरम चाय की चुस्की ले गए हो और पूरे आनंद के साथ अपना मन उस चाय में लगा कर रखे हो, लेकिन कुछ देर पहले ही एक रोग दुष्ट व्यक्ति उस कप में चाय पीकर गया था, तुम्हें पता नहीं, तुम अनजान थे, और उस रोग का जीवाणु उस कप में था और वो जीवाणु तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, तुम्हें पता नहीं था। 10 वर्ष के बाद वो जीवाणु एक बहुत बड़े रोग के रूप में तुम्हारे जीवन में आया। तुम सोचने लगे, भगवान मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, अचानक मैं इतना बड़ा रोग दुष्ट कैसे हो गया? ठाकुर जी कहना शुरू किए, लेकिन सुनो, विधि के विधान के अनुसार से चलना होता है। जो कुछ करने से जो कुछ प्राप्त होता है उसको अगर ठीक ठीक ढंग से तुम नहीं करोगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स में, नेचर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहने से वो पानी नहीं बन जाता, लेकिन उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में टेम्परेचर और प्रेशर में डालकर एक सही प्रोसेस में लाकर उसको पानी बनाया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर तो सबको चाहते हैं, भगवान तो सबको चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कितना पकड़ कर रखा हूं। वो विधाता पुरुष है, वो अपने विधि से ही सृष्ट हुए हैं, अपने विधि के बाहर वो जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति विधाता के उस विधि, विधाता पुरुष के उस विधान को मानकर चलता है, वो उनकी दया पाता है। बोले, एक पिता तो चाहता है कि उसका पुत्र अच्छा बने, पिता तो हर हमेशा अपने पुत्र के लिए सब अच्छा ही सोचता है, लेकिन अगर पुत्र पिता को की बात मानकर नहीं चले तो उसे दुख होगा। तुमने अगर कोई मृत्यु की आराधना करता है, जीवन की साधना छोड़कर कोई मृत्यु की आराधना करता है, और इस आराधना में जब उसके पास मृत्यु आकर सामने खड़ी होती है तो वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो उस परिस्थिति में विधाता भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विधाता को मानकर चलना पड़ता है, विधान पुरुष को मान करके चलना पड़ता है। हम लोग सत्संग के आश्रित हैं और इस सत्संग के प्राण पुरुष, केंद्र पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं। ठाकुर जी के पास में एक भक्त ने आकर पूछा था कि ठाकुर जी, जीवन में तो बहुत दुख है,
और इस दुख भरे जीवन में मैं चलूंगा कैसे, बहुत भय लगता है, बहुत डर लगता है ठाकुर जी इस संसार में चलने में। ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हें डर किस बात का, तुम्हें डर किस बात का, तुमने सतमंत्र लिया है ना, तुम्हें सतमंत्र लिया है, तुम्हें डर किस बात का, तुम्हारे तो एक गुरु हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम उनके ही पथ में चलोगे, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम उसी पथ में तुम चलोगे, भगवान से प्यार करोगे, भगवान से प्यार करोगे, भगवान तो किसी को छोड़ते नहीं है, सबको ही पकड़ करके भगवान रखते हैं, उसी तरह तुम लोग भी किसी को नहीं छोड़ना, तुम लोग भी किसी को नहीं छोड़ना, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और सभी से सभी को प्यार करना, सभी को प्रेम करना, सभी की बहुत सेवा करना और खूब नाम करना और स्फूर्ति पूर्वक काम करना, खूब नाम करना और स्फूर्ति पूर्वक काम करना। कहने का मतलब है श्री ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि सदगुरु के चरण आश्रित होकर, उनका सतमंत्र लेकर, उनका नाम जप करके जीवन में हम चलते हैं, जब अपने परिवेश को भी प्यार करते हैं, परिवेश की अच्छाई के लिए हम सोचते हैं, तन मन धन लगाकर और काम भी उस अनुसार से तब करते हैं, तो उस समय परमपिता की दया हमारे ऊपर वर्षित होती है। श्री ठाकुर जी बोले कि देखो, संसार में बहुत आंधी तूफान लगा ही रहता है, संसार में आंधी तूफान तो बहुत लगा ही रहता है, और जब आंधी तूफान आए तो खूंटी को बहुत कस करके पकड़ना तो खूंटी को बहुत कस करके पकड़ना, यदि खूंटी को कस करके नहीं पकड़ोगे तो ये आंधी तूफान तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा। इसलिए आंधी तूफान में खूंटी को पकड़ोगे तो ये आंधी तूफान कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो नाम तुम्हें मिला है उस नाम को लेकर तुम चलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। श्री ठाकुर जी सबका मंगल चाहते थे, वो कहते थे कि जो परमपिता को लेकर चलता है, जिसके जीवन में इष्ट हैं, जिसके जीवन में आदर्श हैं, जिसके जीवन में जीवंत भगवान है, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नौ बसामि वैकुंठे नौ बसामि जोगिनाम हृदय, मद भक्ता जत्र गायन्ति तस्य तिष्ठामि तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तो वैकुंठ में भी वास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता, जहां मनुष्य मेरी चर्चा करते हैं, मनुष्य जहां मुझे प्रेम पूर्वक मेरी बातों को बोलते हैं, वहीं पर मैं अधिष्ठान करता हूँ। पूजनीय बावाईदा भी एक दिन बोल रहे थे, नारद जी की सूक्ति को बोलते हुए पूजनीय बावाईदा बोले कि इसका मतलब है, जब श्री विष्णु श्रीहरि ये बोल रहे हैं, जहां भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं वहां पर मैं अधिष्ठान करता हूँ, पूजनीय बावाईदा बोल रहे हैं, जब हम ठाकुर जी की बातें करते हैं, ठाकुर जी का याजन करते हैं, तो उस समय ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर रहते हैं। पुरुषोत्तम आसेन जखन, बांग्ला में एक वाणी है, पुरुषोत्तम आसेन जखन इष्ट आचार्य तिनी गुरु, पुरुषोत्तम आसेन जखन इष्ट आचार्य तिनी गुरु, तिनी सवार जीवन दाड़ा तिनी सवार जीवन मेरु। जब पुरुषोत्तम आते हैं, इस धराधाम में आते हैं, नर शरीर लेकर जब इस धराधाम में पुरुषोत्तम आते हैं, वही इष्ट हैं, वही आचार्य हैं, वही सदगुरु हैं, वही सभी के जीवन के मूल केंद्र हैं, वही सभी के जीवन के मूल केंद्र हैं, उनको लेकर के ही जीवन में सार्थक हुआ जा सकता है। पुरुषोत्तम के बिना, इष्ट के बिना, आदर्श के बिना जीवन में सार्थकता नहीं होती। फिर ठाकुर जी बोले, असीम असीम जखन ससीम होए सीमाते नैन स्थान, पृथ्वी भेदी टान हो ले ताई देख भी भगवान। जब असीम ससीम होकर, असीम जब ससी असीम ईश्वर जब ससीम होकर देह धारण करके इस जगत में आते हैं, उनके प्रति निष्ठा रहने से, वृत्ति भेदी टान होने से, उसी उनमें ही ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। ठाकुर जी कहते हैं, भक्ति ही प्रकृति ज्ञानी है, भक्ति विहीन ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र है। और एक बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था, बीवेयर ऑफ द मैन हुज गॉड लिव्स इन द स्काई, ऐसे आदमी से तुम डरो जिसके ईश्वर आकाश में बसोवास करते हैं। इसलिए
हमें आकाशीय ईश्वर नहीं चाहिए। पूजनीय बाबा जी बोले हम ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए हैं ये मांगने के लिए नहीं कि ठाकुर जी आप सब काम मेरा कर दीजिए, आप भला कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। गुरु को इसलिए हम नहीं पकड़े हैं, गुरु को हम लोग इसलिए पकड़े हैं कि हे गुरुदेव मुझे विपत्ति में डालिए, मुझे मुसीबत में डालिए, उस विपत्ति और मुसीबत में मैं आपको पकड़कर जिससे उस विपत्ति और मुसीबत से निकल पाऊं वो विद्या मुझे सिखाइए, वो विद्या मुझे सिखाइए। बिना परिश्रम के, बिना काम के मैं आपकी कृपा नहीं चाहता हूँ, मैं परिश्रम करना चाहता हूँ, मैं विपत्ति में पड़ना चाहता हूँ, उस विपत्ति के बीच से मैं जिससे बाहर आ सकूं वो ज्ञान आप मुझे दीजिए। अनेक जन्म संप्राप्तम कर्मेन्दन विदाहिने आत्म ज्ञानाग्नि दाने न तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने अनेक जन्मों को प्राप्त किया है, अनेक जन्मों का के कर्मों का फल हमारे हृदय में है, जमा पड़ा है, जिसे मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कितने जन्म पाए हैं इस धराधाम में। लेकिन जब गुरु आते हैं आत्म ज्ञानाग्नि दाने न तस्मै श्री गुरुवे नमः, जब वो गुरु सदगुरु अपना आत्म ज्ञान देते हैं तो उस आत्म ज्ञान के सहारे ही मनुष्य के जीवन में प्रकाश आता है। जीसस क्राइस्ट बोले फॉलो द लाइट, फॉलो द लाइट, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ, मैं जीवन का प्रकाश हूं, मैं जीवन का प्रकाश हूं, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ, मैं जीवन का प्रकाश हूं। जो मेरे को अनुसरण करता है वो प्रकाश का अनुसरण करता है, और जो मुझे नहीं अनुसरण करता वो अंधकार में कहां विलीन हो जाएगा कोई पता नहीं, कहां वो भटक जाएगा कोई पता नहीं। जो जाके हाथ गए सो ताके राखे लाज, उलट जले मछली जले हर बलि जाए गजराज। ये तो संसार का नियम है, जो जिसका हाथ पकड़ता है, जो जिसका हाथ पकड़ता है वो उसकी लाज को रखते हैं, उलट जले मछली चले, विपरीत प्रवाह में मछली तैर कर निकल जाए जाती है, क्योंकि मछली जल को ही अपना सब कुछ मानती है। बही जाए गजराज, लेकिन धारा के उल्टी दिशा में इतना शक्तिमान हाथी वो बहकर चला जाता है, लेकिन छोटी सी मछली धारा के उल्टे डायरेक्शन में आराम से तैर कर निकलती है। इसलिए उस पुरुषोत्तम का हाथ पकड़ना है, और पुरुषोत्तम का हाथ पकड़ने के लिए हमें आचार्य संग करना पड़ेगा। आचार्य देव के पास में जाने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक बल संबल मिलता है, हमारे हृदय में आशा की एक नई किरण जगती है, क्योंकि उनके प्रत्येक निश्वास प्रश्वास में श्री ठाकुर जी बसे हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग सब लोग ठाकुर जी को लेकर चले, हम लोगों का परिवार सुंदर हो, अड़ोसी पड़ोसी सुंदर हो, ठाकुर जी की बातें हमारे चरित्र में चरित्रायित कैसे होगी, इसका ध्यान आचार्य देव हमेशा रखते हैं। और हमारे अंदर जो छोटा छोटा वीकनेस है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जो मुझे रोक करके रखता है, आचार्य देव के एक दो बातों से ही वो सब कुछ हमारे जीवन से निकल जाता है, हमारे जीवन की कमजोरियां दूर हो जाती है, और उस समय एक नई रोशनी मिलती है कि ठाकुर जी के पथ में मुझे क्या करना है। ठाकुर जी बोले सदगुरु का आदेश पालन करने से बढ़कर और दूसरा कोई मंत्र नहीं, सदगुरु का आदेश पालन करने से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं। कबीरदास जी बोले सदगुरु आवे भेद बतावे, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छोड़े जब आग करे प्रवेश। सदगुरु आते हैं, जीवन का भेद बताते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, और कोयला में जब आग प्रवेश करती है, कोयले में जब आग प्रवेश करती है तो कोयले का मैल दूर होता है। कबीरदास जी बोले पहला दाता शिष्य भयो, गुरु को दिया शीस, और दूसरा दाता गुरु भयो नाम दिया बख्शीस। पहला दाता शिष्य भयो, पहला दाता जो है वो शिष्य है, गुरु को दिया शीश, गुरु के सामने उसने आत्मसमर्पण किया। दूसरा दाता गुरु भयो, दूसरा दाता गुरु होते हैं, नाम दिया बख्शीश, उन्होंने अपने शिष्य को सतमंत्र दिया, जिस सतमंत्र के सहारे मनुष्य जीवन में आगे बढ़ सकता है। सदगुरु वाइजली पुलिस होते हैं, सदगुरु एबनॉर्मली नॉर्मल होते हैं, सदगुरु गॉर्जियसली सिंपल होते हैं, सदगुरु फुलफिलर द बेस्ट होते हैं, सदगुरु माता पिता के असीम भक्त होते हैं, इष्ट के प्रति वो अनुरागी होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं वो इष्ट के प्रति अनुरागी होते हैं,
वो लोक दर्दी होते हैं। लोक दर्दी प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जीवों के लिए, यहां तक पेड़ पौधे पक्षियों के लिए भी ठाकुर जी के हृदय में असीम ममता थी, असीम प्रेम उनके हृदय में था। जैसे एक माँ को अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वही प्रेम ठाकुर जी का इस संसार के समस्त जीव जगत के लिए वो प्रेम था, इसलिए वो लोक दर्दी होते हैं। बात और कर्म में सामंजस्य होता है, जो कुछ बोलते हैं खुद आचरण करते हैं, वो आचरणशील व्यक्तित्व होते हैं, जो खुद आचरण करके लोगों को दिखाते हैं कि जीवन में कैसे चलना है। वो पूर्वतनों के आदर्श के प्रति श्रद्धाशील होते हैं, पूर्वतन में जो आए हैं, जो पहले पहले आए हैं उनके प्रति श्रद्धाशील होते हैं। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, इफ यू लव योर ओन प्रॉफिट, ही हु लव्स हिज ओन प्रॉफिट शैल लव ऑल द प्रॉफिट्स। जो अपने प्रिय परम को, अपने इष्ट को, अपने पुरुषोत्तम से जो प्यार रख करता है, वो संसार के सभी पुरुषोत्तम से प्यार रखेगा। ये महामिलन का एक केंद्र है, सत्संग एक महामिलन का केंद्र है। ठाकुर जी बोले कि अगर कोई भगवान श्री राम से प्रेम करता है तो उतना ही प्रेम उसको उन्हें जेसस के प्रति होगा, उतना ही प्रेम उनका मोहम्मद साहब के प्रति होगा, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट्स हैं, समय के अनुसार से आए हैं। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए पूर्वतनों के प्रति जो वर्तमान पुरुषोत्तम आते हैं उनकी असीम श्रद्धा होती है। आज भी जब देखेंगे आप, श्री ठाकुर जी जहां पर बैठते थे पार्लर में, सामने एक जीसस क्राइस्ट की प्रतिच्छवि लगी हुई है और जीसस क्राइस्ट के हाथ में एक लाठी है और उनके कंधे पर मेष शावक है। श्री ठाकुर जी से पूछा गया था कि इसका महत्व क्या है, जीसस के इस प्रतिच्छवि का महत्व क्या है। श्री ठाकुर जी बोले, ये मेमना जो है वो खो गया था और जीसस ने उस मेमने को खोज कर निकाला, द लॉस्ट सीप, उस लॉस्ट सीप को जीसस ने खोज कर निकाला और अपने कंधे पर चढ़ाकर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। और ये जो हाथ में लाठी है, ये लाठी अभय का प्रतीक है, ये पथ का निर्देश है कि इस पथ पर तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा, मंगल आएगा। प्रत्येक दिन श्री ठाकुर जी जाते थे, ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन संध्या में जाते थे ठाकुर जी, वहां पर टिगरिया पहाड़ के पास में जाते थे, श्रद्धेय केष्टुदा जाते थे, पूज्यपाद श्री श्री बौरदा, अन्य भक्तगण पार्षद जन जाते थे, एक दरी बिछाई जाती थी और ठाकुर जी उस पर बैठते थे। और उस समय ये मुगल सराय पैसेंजर उधर से गुजरता था और ठाकुर जी तब तक बैठे रहते थे जब तक वो मुगल सराय पैसेंजर उस लाइन से होकर चली नहीं जाए, और ठाकुर जी खड़े होकर जब तक मुगल सराय पैसेंजर दिखती रहती थी तब तक ठाकुर जी उस मुगल सराय पैसेंजर को वो देखते रहते थे। एक कभी कभी वो मुगल सराय पैसेंजर बहुत लेट करती थी और ठाकुर जी को भक्त लोग बोलते थे, ठाकुर जी चलिए आज मुगल सराय पैसेंजर तो बहुत लेट है, लेकिन ठाकुर जी जाते नहीं थे। और जब मुगल सराय पैसेंजर वहां से गुजरती थी, श्री ठाकुर जी बच्चों की तरह उत्साहित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। जब ठाकुर जी से पूछा गया, मुगल सराय पैसेंजर को देखकर आप इतना प्रसन्न क्यों होते हैं, ठाकुर जी बोले, इस मुगल सराय पैसेंजर पर चढ़कर ही मैं बैद्यनाथ धाम आया था और ये इस मुगल सराय पैसेंजर सब पैसेंजर को अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, ये हर स्टेशन में रुकता है और प्रत्येक पैसेंजर को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। परोक्ष रूप में वो ये कहना चाहते थे, जो पुरुषोत्तम आते हैं वो सबों के लिए आते हैं, समस्त जीव जगत के लिए वो आते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजियन, वो सबों के लिए आते हैं और सबों को वो फुलफिल करते हैं, सबों के वैशिष्ट को वो परिपूरित करते हैं और जिसको जहां तक पहुंचना है, जिसके वैशिष्ट में जो कुछ है उसे वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैं तो एक साधारण सा विद्यार्थी था, एक नॉर्मल बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स में फेल करता था क्लास 8-9 में। जब मेरी दीक्षा हुई, मेरे ऋतिक दादा बोले, श्रद्धेय सरकार दादा जो अभी धराधाम में नहीं है, देवगढ़ के थे, वो बोले कि भाई बहुत अच्छे से पढ़ना, इस तरह से पढ़ना कि ठाकुर जी जिससे प्रसन्न हो, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अच्छा रिजल्ट करना होगा, तभी दीक्षा की सार्थकता है। सही रूप में मनुष्य तो बनना होगा और तुम अभी स्टूडेंट हो, ठीक से नाम ध्यान करना,
माता पिता को प्रणाम करना, इष्ट वृत्ति करना, सत्संग में जाना, प्रैक्टिकली काम करना, ऐसा करके जब चलोगे तो देखोगे तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक हो जाएगी। तो मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन किया, आईएससी में फर्स्ट डिवीजन किया, बीटेक में मैं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन किया, डबल एमटेक में किया, आचार्य देव के आशीर्वाद से मैं पीएचडी भी हुआ और आज यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी में ठाकुर जी की दया से ही मैं बन पाया हूँ। स्कूल इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं एक साधारण सा लड़का स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में फेल करता था, ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण करके धीरे धीरे उनके पथ में चलते चलते इस जगह में मैं पहुंचा हूँ। इसका मतलब ठाकुर जी हम सबों के प्रति प्रत्येक को चाहते हैं कि हम जीवन में अच्छा बने, जीवन में सुंदर बने और जीवन में हमारे जीवन में सार्थकता आए, और ये तभी हो सकता है जब हम ठाकुर जी को लेकर चलेंगे, यजन याजन इष्ट वृत्ति स्वस्थनी सदाचार की पंचनीति का पालन करके चलेंगे। और आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा जो बोल रहे हैं, पूजनीय बाबाईदा पूजनीय अविन बाबू जो बोल रहे हैं, उसको लेकर हम जब जीवन में चलेंगे तो हमारे जीवन में मंगल आए। दादा यही पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु ठाकुर जी की दया से, जिससे आप लोग सभी लोग कुशल और आनंद में रहे। जय गुरु दादा।